गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज मैं आप लोगों को भोली घुमाने वाला हूँ। तो जैसा कि मेरा जो पहला वीडियो था मेरे चैनल का, तो उस पर मैंने भोली ए ब्लॉक से लेके शक्ति मार्केट तक का वीडियो बनाया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि आप बी ब्लॉक का बनाओ, सी ब्लॉक का बनाओ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से आज मैं आपको पूरा भोली का एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने क्वार्टर्स हैं, भोली में क्या है क्या नहीं है, क्या मतलब कौन सा बैंक है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपके सामने ए ब्लॉक में हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ए ब्लॉक का थाना है। तो गाइज अभी हम ए ब्लॉक के ग्राउंड में खड़े हैं और आप पीछे देख सकते हैं भोली ओपी है और ए ब्लॉक का ग्राउंड कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो अभी हम आपको ए ब्लॉक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर भोली का स्टेशन है, वो आपको दिखाऊँगा और पूरा भोली को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल में आप लोग बने रहिएगा। तो गाइज अभी हम श्याम नगर में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मंदिर है। तो जो इधर का जो रास्ता है, इधर ये आपका इधर आज़ाद नगर जाता है और इधर, और फिर आपका इधर ए ब्लॉक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ भोली का ही बना रहा हूँ, तो सारा का सारा जो है वो भोली का ही रहेगा। तो अभी हम जाते हैं फिर आगे इस तरफ, आपको और जो ए ब्लॉक में कुछ बचा हुआ है तो आपको बताएंगे। आपको दिखाने वाले हैं अभी भोली में जो ये रेलवे स्टेशन है, जो कि भोली BH के नाम से जाना जाता है। तो गाइस अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं भोली हॉल्ट है, जो कि भोली BH के नाम से भी सब जानते हैं इसको। और अब यहाँ पर एक ब्रिज भी बनने जा रहा है, तो मैं आपको अभी ब्रिज भी दिखाऊँ थोड़ा सा। तो गाइस इस तरफ जो है ना वो धनबाद है और इस तरफ जो कि दिल्ली का जो रूट है इस तरफ से है। तो मेनली यहाँ पर लोकल ट्रेन ही रुकती है, तो जो लोकल है यहाँ के उनके लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मार्केट के लिए जो डेली अप एंड डाउन करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये स्टेशन। तो अभी आप सामने देख भी पा रहे होंगे एक ट्रेन आ रहा है। यार यहाँ पर थोड़ा एक अजीब सा बात है, अभी आप सामने देख पा रहे हो कि ट्रेन आ रहा है और अभी भी यहाँ पे फाटक बंद नहीं हुआ है और अभी भी जो बाइक वाइक है वो पार हो रहा है। और आप सामने देख पा रहे होंगे ट्रेन काफ़ी सामने आ चुका है, और देखिए अभी स्कूटी वाला भी पार हो रहा है और देखिए अभी बंद कर रहा है ये। तो यहाँ पर केयरलेसनेस देख सकते हैं फाटक वालों को, जो बंद करते हैं, अभी बंद किया इन्होंने। तो गाइज अगर हम मार्केट की बात करें तो भोली में टोटल 5 मार्केट लगते हैं, जो कि सब्जी हाट भी है यहाँ पे। तो ये जो है ए ब्लॉक का सब्जी मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ए ब्लॉक का जो है सब्जी मार्केट वो शनिवार को लगता है। तो इसी तरह से 4 मार्केट और हैं सब्जी मार्केट जो कि लगते हैं यहाँ पे। तो ए ब्लॉक का जो मार्केट है जस्ट ये भोली ओपी के जस्ट अपोजिट ही है। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ वो जो ब्रिज जो कि बन रहा है ए ब्लॉक भोली हॉल्ट पे, जो कि यहाँ से बस क्रॉस करने के लिए बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यही वो ब्रिज है जो कि क्रॉस करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था और एक्सीडेंट के मामले भी यहाँ पे काफ़ी आ चुके थे। तो ये ब्रिज बन रहा जो कि अच्छी बात है यहाँ पे। और आप दुख इस तरह कुछ है इसके आसपास। मार्केट में आ चुके हैं, तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आज बुधवार है, तो आज मार्केट पूरा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बुधनी हटिया के नाम से फेमस है पूरा भोली में। तो आप देख सकते हैं पूरा मार्केट लगने वाला है आज रात को। तो अगर रात को मैं आऊं तो आज शायद आपको वीडियो ही बना दूंगा। तो ये सारा बुधनी हटिया ही है। तो आप देख सकते हैं पूरा मार्केट लगा हुआ है पीछे। मैंने अभी आपको बुधनी हटिया का मार्केट दिखा दिया, तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं शक्ति मार्केट।
गाइज अभी इधर का जो रोड अभी बन ही रहा है, अभी बना नहीं है, बाकी सारा भोली में तो रोड बन चुका है, काफ़ी अच्छा हो गया है। बाकी आपने वीडियो में देखा ही होगा रोड क्या कितना ज़्यादा अच्छा हो चुका है भोली का, तो पहले के भोली और आज के भोली में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी आप मार्केट देख लीजिए, शक्ति मार्केट है, ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट बन चुका है, बिल्डिंग्स भी बन चुकी है इधर आसपास में बहुत ज़्यादा। गाइज अभी हम डी ब्लॉक की ओर जा रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हैं इधर अभी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी तो पूरा भोली में अभी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब इस साइड डी ब्लॉक की ओर, क्योंकि यहाँ पर जो रोड अभी बना नहीं है, बाकी मेन भोली में जो उधर के साइड में तो काफ़ी रोड जो है काफ़ी पहले बन चुका है, एक दो साल पहले ही। मार्केट है और यहाँ पर ही सब्जी मंडी लगती है, यहाँ पर सोमवार के दिन यही ग्राउंड इसमें सब्जी मार्केट लगता है, और ये मार्केट है आपका डी ब्लॉक का। गाइस यहाँ पर एक बैंक भी है, बैंक ऑफ इंडिया, ये आप सामने देख पा रहे होंगे। गाइज ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपको ई ब्लॉक से को कनेक्ट करता है, तो ये रास्ता जो आगे जा रहा है वो ई ब्लॉक में जा रहा है, और ये कुछ क्वार्टर्स हैं आप देख पाते हैं, भोली के क्वार्टर कुछ इस तरह का है। तो गाइज एक और मंदिर है डी ब्लॉक में, आप देख पा रहे होंगे, और डी ब्लॉक का ये स्कूल है एक यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये डी ब्लॉक का हॉस्पिटल है जो कि अब बंद हो चुका है। इसके बंद होने के रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है प्राइवेट क्लिनिक कुछ ज़्यादा ही खुल चुके हैं भोली में, और लोग जो हैं प्राइवेट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो इसीलिए यहाँ के जो भी ज़्यादा आते नहीं थे तो इसको क्या किया, तो अब ये बंद हो चुका है, तो यहाँ के जो भी थे सब जो भी वर्कर और डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र हो गया है। और फिर एक और हॉस्पिटल है जो कि बी ब्लॉक में है, मैं आपको वहाँ पे अभी जाकर उसके बारे में दिखाऊंगा। गाइस आप देख पा रहे होंगे ये डी ब्लॉक का मैरिज हॉल है, तो ये शादी वादी में इसको आप बुक कर सकते हैं अगर कोई आसपास से है तो, ये आप देख लीजिए। और अभी हम राजकमल स्कूल की तरफ जा रहे हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, तो ये आप देख पा रहे होंगे सरस्वती विद्या मंदिर है, इसका ग्राउंड है, अभी हम सामने से भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं भोली विद्या मंदिर का स्कूल का बस इधर खड़ा हुआ है, और ये अंकल हैं, और ये कुछ इस तरह का स्कूल है भोली विद्या मंदिर का। तो गाइस अभी अंकल ने बताया कि अभी क्लास 6 से 12 तक का ही अभी चल रहा है क्लास, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से जो कि जूनियर क्लास का भी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये था पूरा राजकमल भोली विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर एक्चुअली, इसका जो मेन ब्रांच है वो धनबाद में है। तो ये था, और फिर हम आपको अभी भोली के बारे में और बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अभी।
तो गैस राजकमल स्कूल के बाद भूली में एक और स्कूल है जो कि अच्छा है, तो ये ISL भूली है, इम्पीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग। तो आप उसका बिल्डिंग देख सकते हैं। अंदर जाने का तो परमिशन नहीं मिला, लेकिन इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे कुछ ऐसा ग्राउंड आप देख सकते हैं इतना, और ये आपका एंट्रेंस है, इधर से एंट्री है स्कूल का। तो दो स्कूल मैंने दिखाया आपको, ISL भूली ये और पहले सरस्वती विद्या मंदिर। तो और आगे मैं आपको दिखाऊंगा और भी जो भी भूली में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये झारखंड मोड़ है, तो यहाँ पर संडे के संडे मार्केट लगता है यहाँ पे। और ये सब जगह है, कुछ खास मार्केट तो नहीं है, लेकिन ये रोड के किनारे किनारे सारा का सारा मार्केट लगा हुआ होता है संडे को। आप ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर ये लगता है, और रोड के किनारे किनारे रोड काफ़ी अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन तो गाइज अभी हम ई ब्लॉक के ग्राउंड में खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी की टंकी एक बहुत बड़ा, और सामने दुर्गा मंदिर है जो कि दुर्गा पूजा में यहाँ पे पंडाल बनता है। और इधर एक हमारे टीचर पढ़ाते थे पहले, मुकेश सर, शायद अभी पढ़ाते ही होंगे। और कुछ इस तरह का ग्राउंड है यहाँ पर ई ब्लॉक में, वहाँ भी एक दुर्गा मंदिर है, और इस साइड की और सरस्वती विद्या मंदिर भूली है। और बाकी सब क्वार्टर आप देख सकते हैं, भूली में ऑलमोस्ट क्वार्टर इसी तरह से बने हुए हैं, एक ही डिज़ाइन से। तो गाइज अभी हम लोग सी ब्लॉक में एंटर करने वाले हैं, और ये सब जो एरिया है वो सारा का सारा सी ब्लॉक में ही आता है। ये सी ब्लॉक का पानी टंकी है, तो हर ब्लॉक में एक पानी टंकी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस एरिया में हर ब्लॉक में जो है वो पानी को सप्लाई करने के लिए एक टंकी ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं सी ब्लॉक का मंदिर है, यहाँ पे भी पंडाल लगता है दुर्गा पूजा के टाइम पे। और यार रोड को तो आप मतलब क्या ही बताऊँ, रोड तो जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन चुका है, नहीं तो पहले का भूली में मतलब पहले का भूली का जो रोड था इतना ख़राब था ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था सबको। और अब तो रोड ऐसा बन चुका है कि आपको एक स्पीड ब्रेकर भी नहीं मिलेगा देखने को। तो अब ऑटो वालों की तो पूरा चांदी हो चुकी है, मतलब कि पूरा का पूरा उड़ाते हैं पूरा। ये सी ब्लॉक का मार्केट है यहाँ पे, ये आप सी ब्लॉक का मार्केट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जिसको भी याद हो कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पीड ब्रेकर था यहाँ पे, तो अभी देख लो आप, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है यहाँ पे, बहुत खतरनाक वाला स्पीड ब्रेकर था यहाँ। और ये एक और स्कूल है, कौन सा स्कूल थी भाई, नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ भी एक मंदिर है, यहाँ भी पंडाल लगता है दुर्गा पूजा में। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ बी ब्लॉक का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक हॉस्पिटल के बारे में बताया कि वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो अभी मैं बी ब्लॉक का हॉस्पिटल में हूँ जो अभी रनिंग कंडीशन में है। बट यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो कि पुराने हो चुके हैं और अभी बंद हो चुका है, तो उसी में से कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भूली का हॉस्पिटल है, जो कि ये जो बिल्डिंग है ये अब बंद हो चुका है, क्योंकि काफ़ी बहुत ही बुरा कंडीशन में है ये देख लो। ये आप, ये पहले का एंट्री गेट था ये, यहाँ से मुझे अभी भी याद है, मैं छोटा था तो यहाँ पर आया हुआ आता था यहाँ पे कभी कभी दवा लेने के लिए, तो यहाँ से ही एंटर करते थे हम लोग। और कुछ इस तरह का भी खंडर हो चुका है ये, इसको रेनोवेट तो करा सकते थे, बट पता नहीं गवर्नमेंट का तो चीज़ आपको आपको पता ही है कि क्या होता है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह का कंडीशन हो चुका है अभी। और यहाँ पर सब अभी बैठ करके अड्डाबाजी करने का मन था यहाँ पे, इस तरह का पूरा खंडर हो गया है। और इसके अपोजिट साइड में ये सारा का सारा गार्डनिंग था, तो अभी कुछ इस तरह का कंडीशन है यहाँ। और अभी मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, तो देख लीजिए पूरा का पूरा कंडीशन कैसा हो चुका है।
और ये हॉस्पिटल का पीछे का गेट है, मतलब आप यहाँ से एंटर भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, वैसा कुछ इशू नहीं है। और मैं अभी आपको हॉस्पिटल का एम्बुलेंस की हालत दिखाने वाला हूँ कि किस कंडीशन में है, तो आप देख पा रहे होंगे हॉस्पिटल का एम्बुलेंस है, मतलब पता नहीं बहुत पहले से ही ख़राब पड़ा है, ये देख लो। तो गाइज़ आपको मैंने अभी दिखाया है कि जो पुराना बिल्डिंग था वो बंद हो चुका है, तो अभी इस बिल्डिंग के पीछे ही वो बिल्डिंग है जो अभी रनिंग कंडीशन में है, तो मैं भी देखते हैं कब तक ये भी हॉस्पिटल चलता है, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि जो भी अब नए लोग हैं ज़्यादातर प्राइवेट को प्रेफर कर रहे हैं, तो ये एक रीज़न भी है कि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में कोई आना नहीं चाहता है, और सबको ऐसा भी लगता है कि यार यहाँ पे या फिर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं होता है, और कहीं कहीं का हम लोगों ने देखा भी है कि सही से वाकई में सही से नहीं इलाज होता है, तो इसी चीज़ को लेके वो लोग प्राइवेट को प्रेफर कर रहे हैं, तो इसी कारण हॉस्पिटल जो हैं बंद होते जा रहे हैं। वो जो हॉस्पिटल मैंने आपको दिखाया था उसका रीज़न भी यही था बंद होने का। तो ये बिल्डिंग अभी स्टार्ट है और ये बिल्डिंग जो है बंद हो चुके हैं। तो गाइज़ अभी हम MPI ग्राउंड में आ चुके हैं, तो ये देख लीजिए MPI ग्राउंड है बी ब्लॉक का, यहाँ पर एक पॉपुलर टूर्नामेंट होता है मनीष मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, अब पता नहीं अभी होता भी है कि नहीं बट पहले होता था, और ये MPI हॉल है ये।